गाइस हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। जिन लोगों को नहीं पता ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है तो मैं पहले इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, यू आर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई हुई है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया और कैंडल मैंने यहाँ पे हाई कैंडल यूज़ की है। आपको भी कैंडल हाई कैंडल यूज़ की है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इसको यूज़ करना है। इंडिकेटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ, जो इसने शॉर्ट और लॉन्ग का जो सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है वो ट्विन रेंज फिल्टर है, और जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं जो इसके बीच में चल रही है वो है सालमा। ओके, ये दो इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं। इनकी क्या सेटिंग है आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम शॉर्ट और लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इसमें देख लेते हैं आपको कैसे एंट्री करनी है और कैसे आपको फेक सिग्नल से इसमें बचना है। सेटिंग आपको बाद में बताऊंगा, इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ओके तो देख लेते हैं। देखिए गाइस जब भी ट्विन रेंज का शॉर्ट का सिग्नल हो और सालमा की जो लाइन है वो रेड कलर की हो, देखिए पहली कंडीशन है शॉर्ट में एंट्री लेने के लिए, शॉर्ट का सिग्नल होना चाहिए ट्विन रेंज का, सालमा की लाइन जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए और कैंडल भी रेड कलर की होनी चाहिए। हम नेक्स्ट कैंडल पे ही एंट्री करेंगे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट भी रेड कलर की ही होनी चाहिए। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे ना ये कैंडल्स को मॉडिफाई किया हुआ है, डाउन ट्रेंड के लिए मैंने यहाँ पे रेड कैंडल यूज़ की है और अप ट्रेंड के लिए ब्लैक कैंडल मैंने यूज़ किया है। मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो जो चार्ट आपको सही लगेगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडल है वो भी नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर की होनी चाहिए, तो हम एंट्री ले जाएंगे। ओके देखिएगा इसमें, इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको 100 to 1 100 to, इसमें देखिएगा इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको 100 गाइस आपको इसमें मैक्सिमम 150 पॉइंट टारगेट करना है। जैसे आपको 150 पॉइंट मिलेगा आपको एक्सिट हो जाना है, जब आपको ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं लेना है। गाइस इसमें आपको 150 पॉइंट ही टारगेट करना है। जैसे इसमें शॉर्ट का सिग्नल मिला और जो सालमा की लाइन है वो रेड हुई, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल मिला, सालमा की जो लाइन है वो भी रेड कलर की है, इस पे शॉर्ट का सिग्नल मिला, हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे, इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये जिस पे शॉर्ट का सिग्नल मिला है उस कैंडल का लास्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, टारगेट रखेंगे इसमें 150 पॉइंट का। देखिए गाइस वैसे तो इसमें ज़्यादा मिला है, पर हम जो टारगेट रखेंगे वो 150 पॉइंट के का ही रखेंगे, जो इसमें एक ही कैंडल ने प्रोवाइड कर दिया है। ओके 150 पॉइंट का ही हम इसमें टारगेट रखने वाले हैं। तो शॉर्ट का एक मैंने आपको बता दिया है, सेकंड देख लेते हैं। आप ये देखिए पहले जिसमें लॉन्ग का सिग्नल प्रोवाइड कर रखा है, एक फेक सिग्नल है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। शॉर्ट का मैंने आपको बता दिया, एक लॉन्ग का देख लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फेक सिग्नल है। ट्विन रेंज का जो लॉन्ग का सिग्नल होना चाहिए, ओके, और जो इसमें कैंडल है वो आपकी, आप शायद ग्रीन कैंडल यूज़ करते होंगे, मैंने यहाँ पे ब्लैक है, जो भी आप यूज़ करते हैं ब्लू ट्रेंड के लिए, सेम वैसे ही कैंडल नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए, तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। ट्विन रेंज का लॉन्ग का सिग्नल होना चाहिए, सालमा की जो लाइन है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसमें जैसे सिग्नल मिलेगा हम नेक्स्ट कैंडल पे कर जाएंगे एंट्री, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा जिस कैंडल पे हम सिग्नल प्रोवाइड किया उस कैंडल का लास्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और इसमें टारगेट हम करने वाले हैं 100 पॉइंट से, सॉरी 150 पॉइंट, 150 पॉइंट से ज़्यादा हम इसमें टारगेट नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी एक कैंडल में ही अचीव हो चुका है 150 पॉइंट, एक शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे मिला है, यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पे इसमें एंट्री ली है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे भी देखेंगे 150 पॉइंट जो हमारा वो आराम से इसमें अचीव हो चुका है। ओके गाइस देखिए यहाँ पे भी हमारा 150 जो पॉइंट है वो अचीव हो चुका है। तो 150 पॉइंट का जो इसमें टारगेट है वो बहुत इजीली इसमें अचीव कर सकते हैं आप। ये देखिए फेक सिग्नल है, इसने जो ट्विन रेंजर्स में लॉन्ग का सिग्नल दिया है, लेकिन जो सालमा की जो लाइन है वो रेड कलर की, इसमें फेक सिग्नल है, इस तरह के सिग्नल से हमें बचना है इसमें। ओके गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए गाइस ये भी एक फेक सिग्नल है, आप देख सकते हैं शॉर्ट का सिग्नल दे रखा है ट्विन रेंज ने, लेकिन जो सालमा की जो लाइन है वो ग्रीन कलर की है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ये भी एक फेक सिग्नल है। अगेन देखते हैं, यहाँ देखिए लॉन्ग का सिग्नल प्रोवाइड किया है ट्विन रेंज ने, सालमा की जो लाइन है वो ग्रीन कलर की है,
ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम ये रखने वाले हैं, ये हमने स्टॉप लॉस रखा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और जो टारगेट है वो 150 पॉइंट। जैसे ही 150 पॉइंट मिला और हम एग्जिट कर जाएंगे, तो इसमें भी ज़्यादा ही हमें पॉइंट मिले। ये देखिए गाइस, शॉर्ट का सिग्नल प्रोवाइड किया है। ठीक है, कैंडल मैंने कहा था नेक्स्ट कैंडल भी सेम होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैंडल बनी है, ब्लैक कलर की इसमें एक कैंडल बनी है, तो ये फेक सिग्नल है, क्योंकि हम एंट्री तभी करेंगे जब सेम कलर की कैंडल बनेगी। तो ये भी हमारा हो गया फेक सिग्नल, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गाइस, यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल प्रोवाइड किया है क्वीन रेंज ने, और सालमा की जो लाइन है वो भी ग्रीन कलर की है। नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ली हमने, यहाँ हमने एंट्री ली नेक्स्ट कैंडल पे, ये हमारा एंट्री पॉइंट, टारगेट हम 150 पॉइंट रखेंगे इसमें, और देखिए 150 पॉइंट इसमें भी इजीली अचीव हो चुका है। देखिए गाइस, यहाँ शॉर्ट का सिग्नल है, लेकिन जो सालमा की जो लाइन है ग्रीन कलर की है, ये फेक सिग्नल है, ये फेक सिग्नल है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, फिर से लॉन्ग का सिग्नल प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, एकदम अच्छा सिग्नल है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग का सिग्नल है, ग्रीन कलर का है सालमा का जो है। नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट, और 150 पॉइंट हमें इसमें टारगेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें आपको कैसे एंट्री लेनी है। अब हम इसमें इसकी सेटिंग देख लेते हैं, क्या सेटिंग हमें इसमें करनी है, कैसे हमें इनको यूज़ करना है। तो मैं ड्राइंग और इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ। गाइस, हमें इंडिकेटर में चलना है, लिखना है यहाँ पे ट्विन रेंज। ट्विन, जैसे हम ट्विन लिखेंगे तो ट्विन रेंज फिल्टर जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं इसको हमें लेना है, इसको मैं क्लिक कर लूंगा। सेकंड जो इंडिकेटर है वो है सालमा, ये इंडिकेटर सालमा, जैसे आप लिखेंगे ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप इसको स्टार कर लें, जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर शो करेगा, इसको मैं क्लिक कर लूंगा और यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। गाइस, बस अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, क्या सेटिंग है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्विन रेंज फिल्टर में चलेंगे, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, इनपुट में चलना है, इनपुट में जो इसका फास्ट पीरियड है उसको हम 12 करेंगे, फास्ट रेंज को हम करेंगे 1, स्लो पीरियड को करेंगे हम इसमें 70, और स्लो रेंज सेम रहेगा। ये इसकी सेटिंग है, देख लीजिए अच्छे से, ओके कर देंगे। सालमा में चलेंगे, सालमा में चलने के बाद हमें इनपुट में चलना है इसका भी, इनपुट में चलने के बाद हमें इसकी जो लेंथ है उसको हम करेंगे 18, एक्स्ट्रा स्मूथ जो है इसका वो करेंगे 2, और ओके कर देंगे। बस गाइस, सेटिंग इसकी हो चुकी है, जो भी फेक सिग्नल्स हैं वो सभी रिमूव कर देगा। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है गाइस, देखिए वीडियो को देखने के बाद एक बार इसको बैक टेस्ट जरूर कर लेना है। ठीक है, 1 वीक तक आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, वर्चुअल ट्रेड करें, जैसे आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं आप। ओके, और आप तभी डिसाइड करें इसको रियल ट्रेड में आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।